अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर 4 का। कायदे आज़म ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पेज नंबर 97 से हमने जो है वो देखने हैं। लास्ट जो है हमारा लेक्चर था वो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान को पढ़ा था और अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, जो 7 मेन इशूज़ उस वक्त थे पाकिस्तान को कि जब पाकिस्तान बना, उनको हमने डिस्कस किया था। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि फिर उसके बाद जब कायदे आज़म जो है वो ऐसा उन्होंने ओथ लिया एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो फिर उन्होंने क्या क्या काम किया, हम ज़रा उसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं जी कायदे आज़म का, पेज नंबर 97 से ये मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। कायदे आज़म वर्क एज ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान फॉर 13 मंथ्स। ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948। ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड ही यूज हिज पेनिट्रेटिंग इनसाइड एंड लीडरशिप एबिलिटीज एंड रिजॉल्व इम्पोर्टेंट नेशनल इशूज दैट हेल्प पाकिस्तान स्टैंड ऑन इट्स फीट। कायदे आज़म मोहम्मद, द लॉफ्टी पर्सनैलिटी ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सॉल्व द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड आफ्टर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान इन एन एक्सीलेंट वे। कांग्रेस ट्राई टू क्रिएट एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इंक्लूडिंग अनइक्वल डिवीजन ऑफ एसेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज एंड इनह्यूमेन ट्रीटमेंट दे रिसीव फ्रॉम हिंदूज एंड द सिख्स एंड नॉन कम्युनिकेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड ऑन टाइम। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने जस्ट इतना बताया कायदे आज़म का कि 13 मंथ जो है वो आपने एज ए गवर्नर जनरल जो है वो आपने अपनी सर्विसेज जो है वो रेंडर की। 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म की डेथ हो गई। और कायदे आज़म की लॉफ्टी पर्सनैलिटी, लॉफ्टी मीन्स बारोब्स, रोबदार पर्सनैलिटी जो थी, उसने जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान के जो है वो उनको सॉल्व कर दिया। और पाकिस्तान जो है उसने जो उस वक्त अर्ली प्रॉब्लम्स, अब यहाँ भी इन्होंने वो मेंशन किए कि अनइक्वल डिवीजन ऑफ एसेट्स था, द प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज, ये सब कुछ जो है वो उन्होंने जो है वो सॉल्व किया। और पाकिस्तानी नेशन को एक एज अ लीडर जो है वो आपने उस वक्त लीड किया और हमारे जो इश्यूज थे उनको आपने सॉल्व किया। ओके, पेज नंबर 98 के फर्स्ट पॉइंट। कायदे आज़म वेल जज द सीरियसनेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस मेड कराची द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान प्रोमिनेंटली। तो पाकिस्तान का कैपिटल फर्स्ट जो है वो कराची को बना दिया गया। आपने देखा कि हालात बड़ा, हमारे जो है वो बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी है, तो उसको जो है वो उन्होंने कायदे आज़म ने कैपिटल बनाया। और देन कराची के बाद हमारा नेक्स्ट कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद हुआ, और अब जो है वो उसके बाद से अभी तक हमारा कैपिटल इस्लामाबाद ही है। तो कायदे आज़म ने कराची को जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल डिक्लेयर किया था। एडवाइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू डू देयर ड्यूटी विद ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस। He arranged to operate so, special trains to shift officers from to India. He made an agreement with an air company which made the shifting of the government officials possible. तो क्या हुआ जी, खुद भी ऑनेस्टी और फेथफुलनेस के साथ काम किया कायदे आज़म ने, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी ये एडवाइस करते थे कि ऑनेस्टी के साथ अपने मुल्क के साथ आप जो है वो डिवाइडेड होकर काम करें, और इसके साथ जो है वो आप मुखलिस होकर काम करें, इसको नुकसान ना पहुँचें। इसके साथ साथ स्पेशल ट्रेन चलाई कि जो मुस्लिम्स जो इंडिया में थे, उन मुस्लिम ऑफिसर्स उनको जो है वो पाकिस्तान लाया जाए। और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स थी कि हमारे पास कोई ऑफिस ही नहीं था, ना ऑफिसर्स थे, तो उन ऑफिसर्स को जो इंडिया में थे उनको पाकिस्तान लाने का काम भी जो है वो कायदे आज़म ने किया। अच्छा, इसी के साथ जो है वो एयर कंपनी के साथ भी एग्रीमेंट कायदे आज़म ने किया कि वो जल्द अज जल्द जो है वो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो हमारे मुल्क में वापस आ सकें। ही कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चौधरी मोहम्मद अली टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए चौधरी मोहम्मद अली के सुपरविजन में एक कमेटी बनाएगी, और उसका काम ये था कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द अज सॉल्व किया जा सके। ही ऑल्सो स्टार्ट अकाउंट्स एंड फॉरन सर्विसेज, फॉरन सर्विस का काम जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। द जनरल हेडक्वार्टर वॉज मेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द आर्म फोर्सेज। GHQ जो है हमारा, जो आर्मी का जो सबसे बड़ा जो हमारा आप ये कह रहे हैं कि उनका हेडक्वार्टर है, ठीक है, कि जहाँ आर्मी चीफ होते हैं या आर्मी के हर इशू को वहाँ से जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो ये कायदे आज़म ने जो है ये बनाया, और रावलपिंडी के अंदर ये अब भी है हमारा GHQ, जनरल हेडक्वार्टर इसको कहते हैं, फुल फॉर्म इसकी जनरल हेडक्वार्टर है, शॉर्ट में GHQ कहते हैं। ये हमारी आर्मी जो है उसका जो भी इशूज़ होते हैं वो वहाँ से डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज का जो है वो अकेडमी लॉन्च की कायदे आज़म ने। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाज आल्सो सेट अप इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ कायदे आज़म गवर्नरशिप, गवर्नर जनरलशिप। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं थी असला बनाने वाला, या जो हमारे यहाँ जो मिलिट्री की जो चीज़ें हैं
उसके लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी बनाने के लिए, तो कायदे आज़म ने जो है वो काम भी स्टार्ट किया और उसके लिए भी जो उस तरफ ही तवज्जो दी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी बनवाने का ऑर्डर दिया। ठीक है जी, आगे जो फॉरेन अफेयर्स हैं, तो नेक्स्ट जो फॉरेन पॉलिसी में क्या था, कायद आजम नॉट ओनली पेड मच अटेंशन टुवर्ड्स इंटरनल अफेयर्स बट ऑल्सो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू फॉर्मुलेट फॉरेन पॉलिसी। इस्टेब्लिश गुड रिलेशंस विद नेबरिंग एज वेल एज अदर मेजर कंट्रीज विच वॉज इंक्लूड इन द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरन पॉलिसी। पाकिस्तान गॉट द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इट वॉज ड्यू टू द स्टेटमैनशिप ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जिना। ठीक है जी, फॉरेन अफेयर्स दूसरी दुनिया के साथ रबता, ये भी कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने जो है ये किया कि फॉरेन पॉलिसी बनाई कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशन स्टार्ट हो, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे रिलेशन स्टार्ट हो, हमारे इंटरनली जो इश्यूज हैं उनको भी सॉल्व करने, और हमारे साथ जो उस वक्त की जो कंट्रीज मेजर कंट्रीज थी लाइक अमेरिका, रशिया, चाइना, ये जो भी था उनके साथ जो है वो अच्छे रिलेशन का आगाज किया जाए। तो इसका आगाज जो है वो कायदे आजम ने खुद किया और फॉरेन पॉलिसी जो है बनवाई और उस पर भी जो है वो वर्कआउट किया, और यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को मेंबरशिप मिली तो भी जो है कायदे आजम की स्टेटमैनशिप थी, उनकी पॉलिसीज थी कि यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान एज अ मेंबर जो है वो इनरोल्ड हुआ। एजुकेशन फील्ड, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान आवर कंट्री वॉज फेसिंग मैनी चैलेंजेस, इट वॉज नेसेसरी टू अचीव सक्सेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कायदे आजम पेड स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स दिस इशू। He conducted first education conference in 1947. He was of the view that the objective of education was the moral development of people. He wished that every citizen of Pakistan should serve the nation selflessly. He declared the education of science and technology compulsory for the young students. So Qaide Azam is baat ko bahut achhi tarah se samajh gaye the ki sub continent jab united india tha ki muslims ne education hasil nahi ki to uska result kya hua कि हम जो है वो टेक्नोलॉजी में, साइंस में हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो सबसे पहले कायदे आजम ने जो है वो जिस बात पे फोकस किया, और बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हम ये ऊपर देख रहे हैं कि उन्होंने जो है वो जहाँ अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जहाँ फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं अपने कंट्री को, तो इंटरनली जो है उन्होंने कहा कि हमने स्ट्रॉन्ग होना है तो पहले अपने यंगस्टर्स को पढ़ना, एजुकेटेड हमने करना है, अगर एजुकेटेड नहीं होंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और स्पेशली इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, साइंस है और जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं इसमें हमें जो है आगे बढ़ना है ताकि हम जो है वो वर्ल्ड को कम्पीट कर सकें। तो फिर इसके लिए जो है इन्होंने कमेटीज़ बनाई और इसके लिए काम किया, और कायदे आज़म अभी आप देख रहे हैं एक लीडर की जो क्वालिटीज़ हैं कि वो इंटरनल अफेयर्स को भी देख रहे हैं, वो माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, रेफ्यूजीज जो आ रहे हैं उनको भी वो देख रहे हैं, उनके अलावा जो है फॉरेन पॉलिसी भी बना रहे हैं, कैपिटल भी शिफ्ट हो रहा है और बाहर से जो है ऑफिसर्स को पाकिस्तान वापस लेके आ रहे हैं, उसके अलावा आर्म फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं कि वो बनाई जाए, एजुकेशन फील्ड मींस कि हर जो है एस्पेक्ट से जो है वो एज ए लीडर वो अपने आप को शो कर रहे थे कायदे आजम कि अब हमने एक वतन हासिल कर लिया जिसके लिए हमने इतने साल स्ट्रगल किए, अब इसको ज़ाया नहीं होने देना। तो 13 मंथ्स के अंदर कायदे आजम ने जो है वो इसके लिए जितनी स्ट्रगल वो कर सकते थे उन्होंने वो की। ठीक है, कायदे आजम सर्व पाकिस्तान टिल ही ब्रीथेड हिज लास्ट, डिस्पाइट हिज ब्रोकन हेल्थ ही वुड स्टडी इंपॉर्टेंट फाइल्स। कहते हैं कि कायदे आजम जो है उन्होंने आखिरी सांस तक पाकिस्तान की खिदमत की, और वो जब उनके बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, टीबी हो गई थी उनके, ट्यूबरक्लोसिस, उसके बावजूद उन्होंने अपनी इस बीमारी को छुपा के रखा, और बाद में ये जो है ये कहा भी जाता था हिंदू लीडर्स की तरफ से कि अगर हमें ये पता होता कि कायदे आजम को इतनी सख्त बीमारी है, उस वक्त ट्यूबरक्लोसिस का इलाज नहीं था, तो अगर हमें पता होता कि ये इतने सख्त बीमार हैं तो हम जो है वो पाकिस्तान को, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान को हम थोड़ा सा डिले कर लेते हैं साल दो साल, तो हम कायदे आजम के ना होने का फ़ायदा उठाते और ये पाकिस्तान ना बन सकता। तो कायदे आजम ने एफर्ट्स की और इसको हमें जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि कायदे आजम की एफर्ट्स हैं, और जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने लीडर्स की जो है वो कोशिशों को याद रखती हैं, भूलती नहीं हैं। लास्ट पॉइंट है पेज नंबर 98 पे, ऑल द इनक्यूरेबल एंड द फेटल डिजीज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हैड वीकेंड हिम फिजिकली, येट हिज डिटर्मिनेशन टू सर्व पाकिस्तान वाज नॉट वीकेंड। इट डिड नॉट लेट हिज डिजीज कम इन द वे ऑफ हिज ड्यूटीज। इट वुड बी द नॉट बी एग्जैजरेशन टू से दैट कायदे आजम सर्व पाकिस्तान एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ। कह रहे हैं कि ये एग्जेजरेशन नहीं है, ये मुबालगा नहीं है
ये बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना नहीं है, बट ये फैक्ट है कि कायदे आज़म ने अपनी जान के बदले पाकिस्तान को सर्व किया और उन्होंने जो है उस ट्यूबरक्लोसिस जैसी एक मौलिक बीमारी का मुकाबला करते हुए ब्रिटिश से भी मुकाबला किया, बीमारी से भी मुकाबला किया, हिंदू से भी, और इवन के जो मुस्लिम्स थे जो पाकिस्तान नहीं बनाना चाह रहे थे, जो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, उनको भी किया मुकाबला किया, और जो कौम है जो नेशन थी उस वक्त मुस्लिम्स, उनको भी इस बात पर जो है उन्होंने एग्री किया कि हमने जो है एक सेपरेट स्टेट हासिल करनी है। ठीक है, तो ये हमारा आज सेकेंड लेक्चर था। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे जो है वो क्लास में पूछ सकता है।